नमस्कार, यह लेखपाल का अंतिम प्रहार है। हम लोग एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे, इसमें हम लोग एक एक टॉपिक बहुत जल्दी से क्लियर कर लेंगे। लेखपाल के 100 टॉपिक हम लोग एकदम मतलब बढ़िया अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? तो ये उद्गार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। फर्स्ट ऑप्शन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कहा था, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। सेकंड है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में जो रजत क्रांति है वो अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इससे जो रिलेटेड और क्वेश्चन है उन्हें भी हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे जो अपना ये रजत क्रांति है, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है वो मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के पौधे का जो वो कौन सा सा भाग है जिसे हम लोग यूज़ में लाते हैं या खाते हैं? तो केसर के पौधे का जो ये वर्तिकाग्र भाग है, वर्तिकाग्र भाग, इसे ही हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, अर्थात इसका ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? जो महाजनी प्रथा है इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित जो है ये किस फल की उत्तम किस्म है? तो ललित जो है वो अमरूद की, किसकी? अमरूद की जो है सबसे उत्तम किस्म है। ललित जो है वो अमरूद की नवीनतम किस्म है। इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49 प्रसिद्ध अमरूद की और बहुत सारी किस्में हैं, जबकि सहारनपुर, नागपुर, बेहात, कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्में हैं। इनमें बीज नहीं पाया जाता है। कौन कौन सी हैं? सहारनपुर है, और अपना ये नागपुर है, बेहात, कोकोनट है, अमरूद की, ये बीज रहित किस्में हैं। इनमें जो है बीज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 है, कृषि में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? कृषि कार्य में लगे जो ट्रैक्टर हैं वो उनकी जो आवाज़ है वो किस स्तर से अधिक ज़्यादा मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो जो होगा 90 डेसिबल, 90 डेसिबल से ज़्यादा वो आवाज़ नहीं होनी चाहिए। डेसिबल जो है वो ध्वनि का मात्रक है, हम जो ध्वनि मापते हैं वो डेसिबल में ही मापते हैं। तो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे कान के लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका जो यूज है पानी निकालने में कब किया जाता है? तो इसका जो यूज है वो पानी निकालने में जब पानी का निकास मंद और स्रोत से ज्यादा हो, जब पानी का निकास जो है वो बहुत धीरे हो, पानी धीरे निकल रहा हो लेकिन स्रोत ज़्यादा हो, यानी इसका मतलब पानी ज़्यादा हो लेकिन पानी निकल धीरे रहा हो, तब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, धान में भूसी का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? तो धान में भूसी का जो प्रतिशत अनुपात है वो 20% होता है, ठीक है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुपात 20% होता है। भारत में भूमि की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन
ए होता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए का जो जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है कितनी। तो यदि जो है अगर कोई उन्नत बीज है चावल का, तो उसमें क्या होगा, एक हेक्टेयर में हमें सिर्फ 15 किलोग्राम ही बोना होगा। लेकिन यदि वो चावल का अच्छे किस्म का बीज है तब सिर्फ 15 किलो बोना पड़ेगा, नहीं तो प्रति हेक्टेयर बहुत सारी ज़्यादा हमें बहुत सारे बीज की आवश्यकता होती है। यदि बीज अच्छे किस्म का नहीं है तो बीज जो है वो 75 से 100 किलोग्राम तक भी लग सकता है। तो इसलिए जो है अगर अच्छे किस्म की, मान लीजिए अच्छे किस्म का बीज है चावल का, तो उसके लिए हमें सिर्फ 15 किलोग्राम ही वो जो है लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? इनमें से क्या चीज़ है जो धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है? तो वो है तरबूज। तरबूज जो है वो अम्लीय धरती पर, जहाँ पर अम्लीय मिट्टी है, मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम है, यदि पीएच मान 7 से कम है तो उस जगह पर तरबूज जो है, वैसे तो वहाँ खीरा भी ठीक से उगाया जा सकता है ज़्यादा, है ना, लेकिन अगर इसमें दोनों में ज़्यादा अच्छा आंसर कहें तो तरबूज हो सकता है। तो तरबूज जो है अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूसा रसराज, जो ये पूसा रसराज है ये किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा जो रसराज है वो खरबूजे की उन्नत किस्म है। इसकी और सारी किस्में हैं, जैसे पूसा रसराज हो गया, दुर्गापुर केसर हो गया, आर्कोमोनिक हो गया, काशी पीताम्बर हो गया, पूसा वेदना हो गया, आर का ज्योति हो गया, W19 हो गया, आदि जो है वो खरबूजा की उन्नति किस्में हैं, अच्छी किस्में मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? इसका मतलब ये रहा कि जो अपना भारत है, उत्तर भारत में जो गेहूं के बाद कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूं के साथ धान बोई जाएगी, धान और गेहूं साथ होता है, तो गेहूं के साथ हम लोग धान की फसल का हेर फेर कर देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धान। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेर फेर धान फसल से की जाती है। गेहूं जो है वो किसकी फसल है? रबी की फसल, यानी मेन चीज जो गेहूं है वो रबी की फसल मानी जाती है, जिसकी बुआई सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसकी बुआई कब करते हैं? अक्टूबर और नवंबर में। कटाई कब करते हैं? मार्च और अप्रैल में। जबकि जो धान है वो काहे की फसल है? वो खरीफ की फसल मानी जाती है। इसकी बुआई कब होती है? मई जून में, यानी जब गेहूं कटेगा तो हम लोग इसकी जो बुआई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जबकि धान खरीफ फसल, इसकी बुआई मई जून में होता था, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। जैसे अब हमने धान मार्च अप्रैल में काट दिया, अब एक दो महीने जो है थोड़ा सा ब्रेक कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है फिर से जो है हम लोग धान की बुआई शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको जो है आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 8th में भी था साइंस में। तो ये क्या होता है, एक जो हार्स पावर है अपना वो क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। वाट और किलो वाट भी शक्ति का मात्रक है, हार्स पावर भी शक्ति का मात्रक है। तो एक किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है। एक किलो वाट में 1000 वाट होते हैं और एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, मतलब वे कौन से ऐसे राज्य हैं जो कूड़े से ऊर्जा बनाने में सबसे आगे हैं, ज्यादा जो है कूड़े से ऊर्जा बनाते हैं वो, तो कौन बताइए कौन कौन सा हो सकता है। एक तो ये महाराष्ट्र और एक पंजाब। महाराष्ट्र और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जो कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में सबसे आगे हैं। इसमें किसानों के घास फूस भूसे आदि से बिजली बनाई जाती है। इस बायोमास मिशन में जहाँ पंजाब और महाराष्ट्र का उच्च स्थान है, वहीं जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि भी इसमें योगदान दे रहे हैं। धीरे धीरे ये भी इसमें जो है कुछ प्रयास कर रहे हैं इसमें ऊर्जा बनाने में कूड़े से। इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को हम नवीकरणीय, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये कूड़े वगैरह से ऊर्जा बनाई जाती है, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। देखिए ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना, तो वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। वृक्ष तो ज़्यादा होंगे, लेकिन लगभग में अगर बात कही जाए तो लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं। कितने हैं, 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं इस ग्रह पर, इट मीन्स पृथ्वी पर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। कितने प्रतिशत में जो ऐसे परिवार हैं जिनमें लकड़ी या फिर गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, तो वो है 85% ऐसे परिवार हैं जिनमें जो है गोबर या फिर लकड़ी से जो है खाना बनाया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, 85% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। 25% ग्रामीण परिवार रसोई के ईंधन के लिए लकड़ी का, 10% गोबर की उबालियों का मतलब कंडों का, और 5% रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी का तेल से खाना बनाया जाता है, मतलब कितने प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जो मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, तो वो है 1%। कितने परसेंट, सिर्फ 1% ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ खाना बनाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब गोबर लकड़ी गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जाबो। ये जाबो जो है ग्रामीण खेती करने का तरीका है, ये कहाँ होता है, तो जो ये है नागालैंड में, ऐसा जो प्रक्रम है वो नागालैंड में है। जाबो ग्रामीण खेती जो है नागालैंड में होती है, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अंगागी जनजाति, कौन सी अंगागी जो जनजाति है, ये महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया है, तो इसका जो उद्घाटन है वो 26 मई 2015 को किया गया है। डीडी किसान चैनल का आरंभ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों जैसे नए तकनीक का प्रसार, पानी के संरक्षण व जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी को कृषकों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसमें जो ये मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल है, इसे सब साइलर भी कहते हैं, क्या है बताइए, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ये क्या है, जुताई के प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कौन सी ऐसी प्रणाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ना जल प्रयोग में, तो वो जो है प्रणाली बताइए कौन सी, ड्रिप प्रणाली। कौन सी, ड्रिप, इसमें पानी जो है वो फव्वारे के रूप में डालते हैं हम लोग, ड्रिप प्रणाली। देखिए, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। इस विधि की खोज इजराइल ने किया था, किसने किया था, इजराइल ने किया था। इस विधि के प्रयोग में 35 से 75% पानी की बचत होती है, तो अच्छी बात है भाई ये, इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। सिंचाई की यह विधि ऊसर
जैसे ऊसर हो गया, रेतीली मृदा हो गई जहाँ पर बालू ज़्यादा होता है, मतलब बालू वाली मिट्टी मतलब रेतीली मिट्टी, और बागों के लिए अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है, मतलब वो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें मिट्टी का कटाव ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है, मतलब मिट्टी ज़्यादा कटती है, तो वो कौन सी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी में मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है क्योंकि बलुई मिट्टी पौधों की जड़ें ठीक से बांध नहीं पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने परसेंट है, तो भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो है 55%, ठीक है। एक देखिए इसके व्याख्या है, बहुत बढ़िया दिया गया है, ये पेपर में पूछा जाता है कि जो है भारत में, हाँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है कि भारत में कुआं और नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र कितने परसेंट है, तो 55.9%, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूप द्वारा होती है, किसके द्वारा, नलकूप द्वारा होती है, फिर नहर द्वारा उसके बाद में होती है, फिर उससे कम होती है जो है अन्य स्रोत द्वारा और तालाब द्वारा, लेकिन सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है, नलकूप द्वारा, मतलब ट्यूबवेल के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए 20 कचवासी जो है वो 1 बिस्वासी के बराबर होता है, 20 बिस्वासी 10 बिस्वा के बराबर नहीं होता, 20 बिस्वासी 1 बिस्वा के बराबर होता, तो ये आपका गलत हुआ, ठीक है, ये सही नहीं है, क्या होता देखिए, इसमें देखिए सल्यूशन में दिया गया है 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, कचवासी बिस्वासी, 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, 20 बिस्वासी बराबर 1 बिस्वा होता है, और 20 बिस्वा का इक्वल टू होता है 1 बीघा, कितना होता है, 1 बीघा होता है, और 1 बीघा बराबर होता है 55.55 वर्ग गज होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल रोपण अनुक्रम, मतलब फसल को लगाने का या फसल को बोने का एक क्रम या अनुक्रम कहते हैं, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण या अनुक्रम कहते हैं, जैसे गेहूं के बाद दलहन लगा दें, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल लगा दें, दलहन के बाद अनाज इत्यादि, ये सब क्या है, विधियां होती हैं फसल रोपण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है, ये देखिए बढ़िया बात है कि प्रतिवर्ष कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है, तो 350 मिलियन टन जो है वो कूड़ा करकट और खरपतवार निकलता है किसान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है, मतलब भारत में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं, तो भारत में जो ग्राम पंचायत हैं वो हैं 240,202, कुल इतने ग्राम पंचायत हैं, इट मीन्स इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, 240,202, लगभग 2.5 लाख, लगभग में आ जाए तो कितना करेंगे, 2.5 लाख कहेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो भारत में जो कुल वन क्षेत्र है वो है 7,01,673, देखिए ये 7,01,673 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट बताइए है, 21.34% है। एक बात और देखिए, जो ये अब आया है 2019 में जो भारत का कुल वन क्षेत्र है वो देखिए 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है, लेकिन देखिए ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, अगर हम बात करें 2021 किसकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें
तो बताइए कुल वन क्षेत्र कितना है? 24.62% है। कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्र का? 24.62% जो है वो कितना है कुल वन क्षेत्र है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, कितना बताइए है? 24.62%, 62% इंपॉर्टेंट, ध्यान दिए रहना पेपर में, इंपॉर्टेंट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? कुल खेती का मतलब हुआ जा करके कि हम जहां पर खेती शुद्ध रूप में कर सकें और वहां पर बार बार खेती की जा सके, उसे हम कहते हैं शुद्ध रूप से, है ना, क्या मतलब कुल खेती क्षेत्र बोलते हैं उसको हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? कौन सी ऐसी फसल है जो रूट क्रॉप मतलब जमीन के अंदर उसकी जड़ नहीं होती है, ऐसा कौन है? तो मतलब कि जो जमीन, जो फल जमीन के अंदर नहीं होता, जमीन के बाहर होता है। देखिए आलू जमीन के अंदर होता है, शकरकंद भी जमीन के अंदर होता है, चुकंदर भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन ईख जो जमीन के बाहर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो ईख जो है रूट क्रॉप फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? मतलब गेहूं में प्रोटीन कितने परसेंट होता है? तो गेहूं में जो परसेंट होता है वो कितने परसेंट होता है? गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो 12% होता है। ओके, गेहूं में कितना होता प्रोटीन? 12%। और जो कार्बोहाइड्रेट होता सबसे ज़्यादा होता है, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। किसमें होता है? गेहूं में होता है। और 1.5% वसा होती है, 2% खनिज होता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? जो परिक्षेत्रीय मृदा होती है उसे हम और क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं, या फिर ड्रिफ्ट मृदा कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं अलुवियन मृदा, या फिर सभी कहते हैं। तो इसे हम सभी कहते हैं। क्या क्या? ट्रांसपोर्टेड भी कहते हैं, डिप्ट भी कहते हैं, एलुवियल भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी ऑप्शन क्या हैं, सही है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो एनपीके का जो ऑप्शन सही है वो देखिए क्या है, 4:2:1, ऑप्शन बी इसका सही, यानी एन पी और के का जो रेशियो होता है, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, इसका जो रेशियो होता है मतलब अनुपात होता है ना, वो कितना होना चाहिए? 4:2:1। ये भारत में मापन जो मानक है एनपीके का, वो इतने रेशियो के, क्या रहते हैं रेशियो है, 4:2:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी, तो देखिए रूबी, रूबी किसकी है? रूबी टमाटर की है। किसकी है? टमाटर की है। तो जो पूसा रूबी है वो टमाटर की एक उन्नत किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा टमाटर की और बहुत सारी भी किस्में हैं, एक पूसा है, पूसा गौरव है, आर्का है, आर्का सौरव, सोनाली है, रश्मि, सभी लड़कियों के नाम, अच्छा अविनाश फीमेल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है? मतलब एक थ्रेसर से जो दानों का नुकसान सबसे ज़्यादा कब होता है? देखिए जब थ्रेसर कभी बहुत तेज़ी से चला दिया जाए, बहुत तेज यदि थ्रेसर चल रहा है तो उसमें होते क्या है, जो दाने हैं वो बारीक थोड़ा से कट जाते हैं, ज़्यादा कटने के बाद भूसे के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए जो है इसकी गति अधिक होने पर जो है थ्रेसर द्वारा दानों का नुकसान ज़्यादा होता है ना। इसके दौरान जो हल्के जो दाने होते हैं थ्रेसर के भीतर जो है ज़्यादा अधिक दाब के कारण जो है वो क्या होते हैं, गति करने लगते हैं और उसी लोहे के प्लेट में कट जाते हैं और फिर भूसे के साथ निकल जाते हैं, बाहर उड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन है? कौन सा ऐसा रसायन जिससे दीमक जो है आसानी से जा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे बढ़िया इसमें बताया गया है मोनोक्रोटोफस। मोनो जो क्रोटोफस है वो एक केमिकल के तौर पर आता है, यदि हम इसे डाल देंगे तो क्या होगा, दीमक नहीं लगेगा, ठीक है, ये एक केमिकल है, रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मतलब कैबिनेट मंत्री है?
कबीना है ये, ठीक है धरने कबीना है, कुछ और मत समझना। कबीना मतलब कैबिनेट मंत्री कौन होता है, बस ये बताना तुमको कौन है। तो इसमें जो कैबिनेट मंत्री है आपका वो कौन है, चौधरी बीरेन सिंह है। अभी 19 के अनुसार, 2019 के अनुसार की बात चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए, एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। तो ये कैसे कहता है, ये किस लिए किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए। उपज का अनुमान लगाने के लिए ही फसल कटाई परीक्षण किए जाते हैं। 39 नंबर देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो ये तो भाई अपने प्रदेश की बात, बड़ी अच्छी बात है। तो ये कहाँ हो सबको मालूम होगा, प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में सबसे अधिक जो है क्या होता है, आंवला होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। तो खसरा और खतौनी आप लोग सब जानते होंगे, जो खसरा और खतौनी है बताइए कौन तैयार करता है, पटवारी। कौन, पटवारी मतलब बताइए क्या होता है, लेखपाल। तो सॉरी, पटवारी तैयार करता है, लेखपाल नहीं होता ये, पटवारी दूसरी चीज है। तो खसरा खतौनी को बताइए कौन कौन बनाता है, पटवारी। कौन बनाता है, पटवारी। वैसे इसका काम लेखपाल की जैसा ही होता है, लेखपाल ही है। वैसे जहाँ तक राजस्थान में इसे पटवारी कहते हैं, अपने यहाँ से लेखपाल ही कहते हैं, तो वही लेखपाल ही है, ठीक है, लेखपाल ही है ये, है ना। क्योंकि यहाँ कानून गो भी है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा, इसे यहाँ पटवारी ही सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लेखपाल या पटवारी होता तो हम लोग ये भी सी ऑप्शन ही सही कर देते, लेकिन यहाँ कानून गो है तो कानून वो ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो पटवारी हम लोग राजस्थान में कहते हैं, और अपने यहाँ क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, खसरा खतौनी तैयार करता है, क्या क्या चीज़, खसरा और खतौनी तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी हल है, स्वदेशी हल बताइए क्या चीज़ है। जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है, जुताई का कैसा उपकरण है, एक प्राथमिक उपकरण है क्या, जो ये स्वदेशी हल है क्या है, जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। जो ईख है उसकी बताइए अधसाली किस्म की फसल कितने महीने होती है। तो अधसाली, अध से अध, आ से 18, तो 18 माह किसकी कितनी होती है, 18 माह की होती है। अधसाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र में के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसका जो ये रोपण है एक का कब होता है, जुलाई में होता है, कब होता है, जुलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग 90% सिंचाई किससे किसके अंतर्गत होती है। जो 90% सिंचाई है बताइए किससे होती है। ऑप्शन है बॉर्डर प्रणाली से, चेक बेसिन से, स्प्रिंकलर से, यह भी सतही सिंचाई से। आप बताइए क्या होती है, सतही फतही सिंचाई से, किससे होती है बताइए। सबसे अधिक जो होती है वो किससे होती है, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है बताइए किससे होती है, लगभग फतही सिंचाई द्वारा किया जाता है। तो भारत में लगभग 90% क्षेत्र पर फतही सिंचाई द्वारा, जो फतही सिंचाई द्वारा किया जाता है, ठीक है। फतही सिंचाई से, आ से भूजल द्वारा, सिंचाई से है मतलब जमीन में जो जल है ऊपर, उससे उससे पंप से हम लोग निकालते हैं ना, तो पंप से पानी बाहर निकालते हैं, उसी सिंचाई करते हैं, तो उसे बोलते हैं सतही सिंचाई। क्या बोलते हैं, सतही सिंचाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये बात आपको सबको बता ही दी है कि सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, नल कुआं और नलकूप से होती है। भारत में अगर सिंचाई की बात करें तो सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, कुआं और नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, उसके बाद तालाब से होती है। थर्ड नंबर पर सबसे लास्ट में आता है तालाब, पहले नलकूप या कुआं, और उसके बाद फिर नहर, फिर तालाब आता है, ठीक है। जो भारत में कृषि है, जो भारत की कृषि है वो मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत वो वर्षा का जल है। यहाँ के लोग वर्षा का वेट किया करते हैं कि वर्षा बारिश हो तो हम लोग फसल को बोएं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है, मतलब जो वृक्ष के रूप में होता है। तो करी पत्ता, जो करी पत्ता है ये कैसा है, वृक्षीय सब्जी है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा की गति कितनी होती है। तो जो तेज हवा, जैसे कहीं बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, तो जो तेज हवा की गति है ये कितनी होती है, 30 मील प्रति घंटा होती है। क्या क्या बताइए कितनी होती है, 30 मील प्रति घंटा होती है। भारत में कुल कितने गांव हैं, देखिए क्वेश्चन इसके पहले हो चुका है। तो भारत में कुल कितने गाँव हैं,
तो ये गांव जो है 6,40,923 हैं। कुल कितने बताइए गांव है? 6,40,930 गांव हैं ओवरऑल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? मतलब भारत में कितने परसेंट ऐसे ग्रामीण हैं जिनके घरों में बिजली आसानी से पहुंच जाती है? तो लगभग 56% ऐसे घर हैं जहां बिजली आसानी से पहुंच जाती है। 56% ऐसे घर हैं, ठीक है। लेकिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 90% घरों में बिजली पहुंच चुकी है। अभी जो सर्वे हुआ है 2020 में, इसके अनुसार लगभग 90% घरों में बिजली पहुंच चुकी है। 48 नंबर क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है? तो भारत में जो मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य है वो पहले 2015 के अनुसार तो 28 रुपये 50 पैसे था, मतलब 28 रुपये 50 पैसे था। तो उसके अनुसार तो आपका नंबर भी सही है, लेकिन अब 2020 के अनुसार जो मूल्य हो गया वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स लग चुके हैं, आपका डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, सब कुछ तो बढ़ गया है। तो इसके लिए इसमें जो कौन सा इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, अब रेट बढ़ा हुआ है तो 47.58 रुपये पर लीटर हो गया है, 47.58 रुपये पर लीटर हो चुका है अब का जो ये मिट्टी का तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? गांव में कितने परसेंट लोग रहते हैं? ठीक है, तो गांव में जो है लगभग 83.3%, सॉरी करोड़, 68.89% लोग रहते हैं। 83.3 करोड़, या कह दो 68.89%। और शहरी कितने लोग हैं? शहरी हैं 31.16% लोग रहते हैं। जरा ध्यान दे रहे ना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, शहरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 31.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो बहुप्रचलित बताइए, सबसे बताइए बताइए सिंचाई कहाँ से होती है? सबको बताएं पीछे भी कि जो सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल से होती है, ट्यूबवेल से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने भारत को बनाया भी बिगाड़ा भी अच्छे से है, टीवी बच्चों को बिगाड़ा है, बड़ों को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कितने बताइए, अच्छा हाँ बताइए कितने परसेंट है? 44%। कितने परसेंट? 44% जो है टीवी हर वर्ष बिकती हैं, 44% टीवियाँ। चलिए टीवियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो हरित क्रांति किसके लिए था? ये था गेहूं और चावल के लिए था। हरित क्रांति से गेहूं और चावल को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की जैसी फसलों के वरदान साबित हुई है। वर्ष 1970 के दशक के मध्य कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, मतलब विश्व में इन्हीं को जाता है। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन, सॉरी एम एस स्वामीनाथन है। कौन बताइए हैं? एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। बताइए वर्ल्ड में कौन है? तो वर्ल्ड में है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और जो भारत में बताइए कौन है? एम एस स्वामीनाथन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटाप्रस्त है? मतलब भारत में वो कौन सी ऐसी सांप की प्रजाति है जो अब खत्म हो रही, विलुप्त की अवस्था में है, ज़्यादा खतरे में है, तो वो कौन बताइए है? रसेल वाइपर। जो रसेल वाइपर है वो ज़्यादा जो है खतरे में है। रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में सिंचाई पाई जाने वाली प्रजाति संकटाप्रस्त है। सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं। भारत में जीव जंतु सुरक्षित रखने के लिए 400 वन्य जीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय पार्क जो जंगली और लुप्त प्राय वन्य जीव वन आश्रय देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? अधिया गांव कहते हैं ना, अधिया और बटाई, तो
तो बताइए आधी बटाई किसमें होता है? फसल की साझेदारी भी होती है इसमें, कृषि की बैठक में भी इसका उपयोग किया जाता है। फसल की साझेदारी मतलब इसका मतलब क्या, मतलब जैसे फसल को बांटना बांटना हुआ ना, कहते भैया अधिया ले लो, मतलब अधिया दे दिए तो अब दे दिए अपना खेत में बोएं आ उसको जो भी उसमें हो उसका आधा मालिक को जिसका खेत उसको दे दे, बाकी लोग जो काटे भी ना वो अपना आधा ले लें, ठीक है। और कृषि कार्य बैठक में, ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो सिराजी और बसरा, बसरा बसरा जो है कबूतर है, बसेरा करता है ना घर पे वो सबके, तो बसरा है, ठीक है, सबके पास आता जाता है ना कबूतर जा मतलब हो ना वो, तो बसरा अर्थात कबूतर, बसरा कबूतर। सिराजी शिवाजी, शिवाजी कबूतर भेजते थे ना, तो शिवाजी राव, ठीक है, सिराजी और बसरा ये किसकी उत्तम प्रजातियाँ हैं? उत्तम प्रजातियाँ हैं कबूतर की, अच्छी प्रजातियां हैं, ठीक है, उत्तम प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो सबसे अच्छी मिट्टी कौन? जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक मिट्टी कौन? जलोढ़ मिट्टी होती कहाँ? भारत में। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसमें पोटाश और चूना की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? पोटाश चूना, पोटाश चूना तथा नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस, ध्यान दीजिए नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस, इन सबकी क्या होती? कमी होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बनता है कि जलोढ़ मिट्टी में किस की मात्रा कम होती है? तो नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस, किसकी मात्रा अधिक होती है? तो पोटाश और चूना की, ठीक है। जो जो मिट्टी होती है दो प्रकार की होती है, एक तो खादर एक बांगर। तो जो खादर मिट्टी होती है, ये जो नदियाँ होती हैं वो जब बहुत ज़्यादा उनमें बाढ़ बाढ़ आती है ना बारिश के टाइम में, तो बहुत सारी मिट्टी बहा के लाती हैं, और बहाने के बाद बहुत दूर तक जब बाढ़ में फैल जाती हैं तो अपनी मिट्टी वहीं पर छोड़ देती हैं। तो जब वो मिट्टी छोड़ देती हैं तो वहाँ की मिट्टी नई मिट्टी हो जाती है, उसे ही बोलते हैं हम खादर मिट्टी। यानी जो खादर मिट्टी होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, वो नई मिट्टी जो नदियाँ अपने द्वारा बहा के लाती हैं बाढ़ में। जो बांगर होती है बहुत पुरानी मिट्टी होती है, बाढ़ का पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, जहाँ से खादर ख़त्म होती है वहाँ से बांगर शुरू होती है। तो नदी के बगल की मिट्टी होती है, लेकिन खादर जो है वो नदी के एकदम जस्ट बगल में होती है, ठीक है, कुछ ही दूर में, और उसके बाद जब ख़त्म हो जाती है तो उसे वहाँ से कौन सी मिट्टी शुरू होती है? बांगर। वहाँ तक बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा जा नहीं पाता, बहुत सालों में कई बार एक आध बार चला जाए, नहीं तो जो है बांगर क्षेत्र में जो ये मिट्टी का जो ये पानी बारिश का है वो नदियों का वहाँ पर जा नहीं पाता, इसलिए मिट्टी पुरानी हो जाती है। तो हम बांगर को कहते हैं पुरानी मिट्टी, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? इसमें ज़्यादा अच्छे से फसलें अच्छी होती हैं। यह मिट्टी में धान गेहूं गन्ना दलहन तिलहन आदि खेती अच्छे से होती है। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? जो आंधी जैसे चल रही है तो बताइए इसमें गति कितनी होगी हवा की? तो होगी 80 मील प्रति घंटा। अच्छा, यदि तेज हवा कितनी होगी? 30 मील प्रति घंटा। और जैसे आंधी है तो 80 मील प्रति घंटा, आंधी आ गई मतलब बहुत तेज चलती हवा, तो 80 मील प्रति घंटा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है बताइए कितनी है? तो वो है गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक। मतलब ग्राम कितने ग्राम पंचायत हैं? तो जो जितने गैर आबादी वाले गांव हैं उनसे तो ज़्यादा ही है, मतलब गैर आबादी वाले गांवों से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? गूटी किया जाता है लीची के, तो गूटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। गूटी द्वारा पौधों को तैयार करने में सांकुर शाखा काटकर जड़युक्त गूटी को निकाल दिया जाता है, जिससे पौधे का विकास होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आलू कहाँ होता है? शिमला में। आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है। आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है। शिमला हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थित है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए? मलिहाबाद के आम, मतलब दशहरी आम।
तो आम के लिए मलिहा किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मलिहाबादी दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर का सफेदा चौसा आम, सहारनपुर में कौन सा फेमस है? सफेदा व चौसा। मेरठ व बागपत का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम। बनारस का लंगड़ा आम बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है आम की बहुत औपारी किस्में होती हैं, लखनऊ सफेदा हो गया, मलिहाबाद सफेदा, फाजली, लखनऊआ, जोहरी सफेदा आदि बहुत सारे आम किस्में होती है। भाई पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो हरा से लाल हो गया तो उसमें कैसा हो गया, कोई ना कोई रंग आ गया, मतलब कोई ना कोई ऐसा चीज़ पाया गया, तो उसे बोलते हैं वर्णी लवक पाया गया। क्या पाया गया? वर्णी लवक पाया गया। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है काहे बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट है बदल जाता है काहे में? क्लोरो से क्रोमो। अच्छा पत्तियां हरी क्यों होती हैं? उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है पत्तियां हरी होती हैं और टमाटर हरा होता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो टमाटर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बाद में चेंज हो जाता है, बदल जाता है काहे में? क्रोमो प्लास्ट में। इसलिए टमाटर क्या होता है? हरे से लाल हो जाता है। पौधों का रंग प्राय उनमें पाए जाने लवक के कारण होता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, अवरणी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। हरे टमाटर में हरित लवक पाया जाता है, जबकि पके हुए टमाटर में वर्णी लवक पाया जाता है। अर्थात पकते ही टमाटर के लाल होने का प्रमुख कारण हरित लवक का वर्णी लवक में बदल जाना है। हरित लवक क्या हो जाता है? वर्णी लवक बन जाता है। इसलिए चाहे कहो कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या बन जाता है? क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है कि यदि दूध से हम क्रीम को बाहर कर दें, कि जो मक्खन निकाले दूध का, तो बताइए दूध का घनत्व तो कैसा हो जाएगा? कम, देखिए बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है? तो घनत्व तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये आपको इसी उम्मीद नहीं थी लेकिन ऐसी ऐसा है, जो घनत्व तो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि जो वो क्रीम होता है ना वो आयल टाइप का होता है, आयली होता है, और जो आयल का घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। इसलिए उसके कारण जो घनत्व तो होता है ना दूध का वो कम होता है। जब उसे हम बाहर हटा देते हैं तो आयल तो चला गया, अब बचा है वो सिर्फ लिक्विड लिक्विड है ना, तो उसमें उसका जो घनत्व वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्रीम हटाने पर जो द्रव है दूध है उसका घनत्व मतलब डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा 64 नंबर क्वेश्चन, पीत क्रांति। पीत क्रांति संबंधित किससे है? तो बताइए पीली क्या होती? सरसों। तो बताइए सरसों मतलब तिलहन, तो पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारी क्रांतियां हैं, जैसे जैसे देखिए अपनी जो ये क्रांति है पीली क्रांति तो तिलहन संबंधित है ही है, तिलहन या सरसों से। श्वेत क्रांति के मतलब दुग्ध उत्पादन से है, क्योंकि दूध सफ़ेद होता है। मछली नीली क्रांति संबंधित है, मछली नीले पानी में रहती है। और खाद्यान्न जो होते हैं, खेत तो हरा भरा रहेगा, खेत से ही खाने की चीज़ें मिलेंगी, इसलिए इसे बोलते हैं हरित क्रांति से, मतलब कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। लहसुन की जो गंध आती है बहुत तेज होती है, ये लहसुन है प्याज है, इनकी गंध किस कारण से होती है? तो इसकी जो गंध इनकी जो गंध होती है वो गंधक यौगिक के कारण होती है। उनमें कौन सा उनमें होता है क्या पाया जाता है? गंधक यौगिक, गंधक मतलब सल्फर यौगिक पाया जाता है, गंधक मतलब सल्फर होता है, इसलिए इनकी जो इनमें गंध आती है वो तीव्र गंध आती है लहसुन और प्याज में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टपका, टपक गया। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? मतलब टपका तो बताइए, कहे ना आम टपका, आम टपका मतलब आम जो टपका है वो आम की फसल का अंतिम चरण होता है। जब आम पक जाता है तो क्या होता है? टपक जाता है, तो लास्ट में ही टपकता है ना, तो जो लास्ट जो उसका प्रोसेस है स्टेप है वो क्या है? टपका है। इसे सीकर भी कहते हैं हम लोग गाँव में। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या मतलब कितने ऐसे गांव हैं जहां पर जनता रहती है? तो कुल गांव तो तुम सबको बता ही दिए थे, कुल गांव जो है वो 6,40,930 हैं। लेकिन ऐसे कितने गांव जिनमें आबादी वाले गांव जिनमें जनसंख्या ज़्यादा रहती है? तो कितने बताइए हैं? 5,97,464 है। गैर आबादी वाले गाँव कितने हैं? तो वो हैं 43,466 गांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए
एथीन कह दो या फिर एथिलीन कह दो। एथीन या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, वैसे तो किया जाता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग भी, लेकिन अधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन कह दो या फिर एथिलीन या एथीन कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य जो कार्यालय है वो कहाँ बताइए? चेन्नई में है। पशु का वहाँ पर जाने पर कल्याण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी करता धरता है? गांव में सबसे ज़्यादा कौन आता जाता है? भैया लेखपाल आते जाते हैं, उन्हीं का मेन मेन काम होता है, आपको लेखपाल बनना भी है, तो मतलब बी ऑप्शन सही है, लेखपाल। लेखपाल जो है वो जमीन जो ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का करता धरता लेखपाल ही होता है, वही जमीन लिखता पड़ता है, नापता जोखता जो भी करता वही करता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाती है? क्या बनाती है? बीहड़ मतलब रायमनी बनाती है, तो बताइए बीहड़ कौन बनाएगी? बीहड़ बनाएगी गोमती। गोमती नदी क्या बनाती है? बीहड़ बनाती है, बीहड़ बनाती है। उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण कौन करती है? गोमती नदी करती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से निकली है? ये पीलीभीत के दल्दी क्षेत्र से निकली, फुल्लहट झील एक है, कौन सी झील है? फुल्लहट झील। ये पेपर में पूछा गया है कि गोमती नदी कहाँ से निकली है, तो कहाँ निकली है? ये पीलीभीत जिला है, वहाँ पर एक क्षेत्र है वो है फुल्लहट झील, तो फुल्लहट झील से निकली। कहाँ निकली? फुल्लहट झील से निकली है। ठीक है, ये जो है सहारनपुर, खीरी, गाजीपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, इसका मतलब ये गंगा की सहायक नदी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? अभी तुमको अभी यहाँ सबको पीछे बताए हैं, बताइए कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, कौन सी? बांगर और खादर। खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर पुरानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें जो किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो पोटास और चूना की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है बहुत कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वर्षा सर्वाधिक होती है? बताइए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तराई का जो इलाका है, नदियों का जो जो नदियों के पास वाला भाग है, वहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? गोरखपुर में। सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा। सबसे अधिक गोरखपुर, सबसे कम मथुरा में होती है। गोरखपुर में 154.7 सेंटीमीटर होती है ना औसतन, और मथुरा में कितनी होती है? मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर होती है, तो वास्तव में मथुरा में तो कम होती है। ठीक है, वहाँ से बेचारे कृष्ण गए तो वहाँ से जो है पानी की मात्रा कम होगी। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है? पटसन, तो बताइए पटसन की खेती कहाँ होगी? आप लोग बताइए पटसन की खेती कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो पटसन की खेती सबसे अधिक बताइए कहाँ होती है? वो होती है इसमें देखिए देवरिया और गोरखपुर। कहाँ होती है? देवरिया और गोरखपुर के पास ये में जो है खेती बहुत ज़्यादा होती है। किसी खेती? पटसन, पटसन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटसन को जूट भी कहते हैं, ठीक है, और विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, फर्स्ट नंबर पर कौन है? और अगर बात करें राज्य में, तो राज्य में सबसे नंबर एक पर पश्चिम बंगाल है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य किया गया? तो 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? कहाँ पर पुरुष ज़्यादा हैं? पुरुषों से महिलाओं, जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुष कम हैं, तो अपना एक ज़िला है जौनपुर, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुष कम हैं, पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है, तो कौन है? महिलाओं का अनुपात कौन किसका ज़्यादा है? महिलाओं कहाँ पर ज़्यादा है? जौनपुर में महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुष कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है कितना? तो देखिए यहाँ पर सिस्टम ये है, ज़रा ध्यान दीजिए कि ₹27 प्रतिदिन के आय पर, कितना? ₹27 प्रतिदिन, यदि कोई ग्रामीण है और वो ₹27 प्रतिदिन कमा रहा है, कितने रुपये? ₹27
20 पैसे, तो हम कहेंगे वो गरीब नहीं है। और यदि कोई शहरी है वो 47 रुपये पर दिन कमा रहा है, खर्च मतलब खर्च कर रहा है, खर्च करने की बात हो रही है, तो हम कहेंगे वो गरीब नहीं है। शहरी 47 रुपये, ठीक है, और जो है ग्रामीण जो है 32 रुपये। पहले 2011-12 में था, 14 में जब आया है जो रंगराजन कमेटी आई है वो बताई कि नहीं भाई थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाया किया गया है कि अगर गांव वाले जो है वो 32 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं पर डे, तो इसका मतलब है कि वो गरीब नहीं है ना। 32 रुपये की दवा नहीं होती, 100 रुपये की दवा हो जाती है, ऐसे कैसे। लेकिन जो पढ़ी लिखी बात है वो तो होगी ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए 21 जून को मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ठीक है। मैं बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जल्दी में था इसलिए। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक केला कहाँ होता है? भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में। सर्वाधिक कोला कहाँ होता है? भारत में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि मान ली कोई पंचायत भंग हो जाती है, कोई भी पंचायत अगर अगर वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाएगा। किसके अंदर? 6 महीने के अंदर उसका चुनाव करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था? तो ये किया था 685 करोड़ का प्रावधान किया था। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 832 है, यानी कि 1 किलोमीटर में 832 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? मतलब कितने लीटर प्रतिदिन उन्हें पीने का जल मिलना चाहिए? तो वो है 70 लीटर जो है वो उनको पेयजल पर डे चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आप सबका वो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं के, मतलब जो नगरीय औद्योगिक संपदाओं हों उनको छोड़ उनके सिवाय सभी जो हैं सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या है? वृक्षारोपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मनरेगा प्रारंभ किया गया? बताइए मनरेगा कब आया? मनरेगा 2006 में आया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से किया था। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई तथा 1 अप्रैल 2008, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2008 से इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदल गया। क्या रखा गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया या फिर योजना रखा गया, इम्पोर्टेंट है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिन, अब तो बढ़ गए दिन, अब बढ़ा दिया गया, अब 150 दिन, एक साल में 150 दिनों का जो है श्रमपरक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है करना है। इस योजना के तहत पूरे देह अकुशल मजदूरी का 100% पोषण केंद्र सरकार करती है, मतलब पूरा कौन देती है? केंद्र सरकार देती है, लेकिन ये अगर अकुशल मजदूरी का 100% होती है, ये अकुशल जो मजदूरी है ना, अगर जो अकुशल मजदूर मतलब जो कुछ नहीं जानते हैं,
वो उनको जो है उनका जो पूरा मतलब कि पैसा देती है कौन देती है, केंद्र सरकार ही देती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, चौथा है। बताइए कौन सा है, चौथा है। तो एक ट्रिक आप लोग रख लीजिए, राम मऊ, क्या रख लीजिए, राम मऊ, राम मऊ। तो सुनिए जरा, उत्तर प्रदेश, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान क्षेत्रफल में है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कितने फोर नंबर पे है ना, फोर मतलब फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना को बताइए कब आई है, 1997 से 2002 में आई है, 2002 तक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है, तो यदि वार्षिक मतलब पारिवारिक आय 20,000 रुपये है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो जो है BPL श्रेणी में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन जो संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, मुगलसराय क्षेत्र में, कहाँ स्थित है, मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू नियंत्रण अधिनियम राजमार्ग, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, तो कहाँ स्थित है बताइए, कब मतलब किस वर्ष में पारित किया गया, 1945 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है, तो 25% किसका है, 7500 का 25% ये राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील जो वह स्कूल में चलता है ना, वो के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता पर ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर, मतलब कब कब जांच पड़ताल करनी चाहिए मिड डे मील में, है ना, तो बताइए क्या, त्रैमासिक 3 महीने में, पाक्षिक साप्ताहिक 7 महीने में, दैनिक दैनिक जिरोज, हाँ रोज सफाई का रोज जो है ध्यान देना चाहिए, निरीक्षण रोज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 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 जो क्वेश्चन अगले स्लाइड पे हैं, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, तो 33% कम से कम सीटें आरक्षित होनी ही चाहिए, कितने परसेंट, 33%। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख, वित्तीय जो स्वास्थ्य है देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, तो कोसवानी एक वो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है, कोसवानी एक वेबसाइट है, यहाँ पर जो है किया गया है, ठीक है, लाने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। स्वस्थ भारत, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर बराबर होता है, तो 1 बीघा जो बराबर होता है वो 0.2529 हेक्टेयर, है ना, पॉइंट के बाद संख्या एक ही करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर याद करने के लिए हम कहते हैं 0.2529 हेक्टेयर होता है एक, है ना, बीघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, किस कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब इसका वो हुआ है उत्पत्ति हुई इसकी, तो कौन सा, कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्र मतलब जो है भारतीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ के, तमिलनाडु, नाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी अंधे लोग खाते मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। घूमर, घूमर क्या, राजस्थान, घूमर कहाँ घूमेंगे, राजकरू अर्थात राजस्थान में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख से, किसे तात्पर्य है, भू अधिकारों के प्रलेख से तात्पर्य है। चलिए SGSY का पूर्ण रूप क्या है, तो SGSY का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को की गई। यह एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें BPL श्रेणी से बाहर निकालना है। वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन,
किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ये कौन सा मंडल है? ये मंडल है सिर्फ मिर्जापुर। मिर्जापुर को उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, ठीक है? तो कौन सा होगा? मिर्जापुर इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया? तो लिंगानुपात कितना हो गया? 898 से 912 तक पहुंच गया है। यूपी में जो लिंगानुपात कितना हो गया? 912 है, मतलब 1000 बॉयज हैं तो 912 गर्ल्स होने चाहिए, ठीक है? 912 गर्ल्स हैं, मतलब 912 गर्ल्स हैं एक एक 1000 पे, वैसे भी गर्ल्स कम हैं, ठीक है? और जो भारत का लिंगानुपात वो 943 है, मतलब अभी लड़कियाँ कम हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम 101, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मेले सबसे अधिक संख्या में है? तो बताइए कौन सी? चीनी मेले सबसे अधिक संख्या है। कौन सी मेले? चीनी मेले सबसे अधिक हैं यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो बताइए कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? समाजवादी पेंशन स्कीम है ये, जो है जो बीपीएल से लोग छूट मतलब परिवार छूट गए हैं उनको लाभ देने के लिए योजना कौन सी है? समाजवादी पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? कौन सा अधीनस्थ मतलब सेवा उसके रूप में काम करता है? तो कौन सा बताइए? इटावा होगा। क्यों? इटावा जिला न्यायालय जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। कौन सा है? इटावा, ठीक है? न्यायालय इटावा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करने वाले अन्य जिला न्यायालय इलाहाबाद न्यायालय एवं कानपुर देहात जिला न्यायालय है, ठीक है? उसके अलावा भी कौन कौन है? मतलब न्यायालय इलाहाबाद है और जिला न्यायालय एवं कानपुर देहात न्यायालय है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो जो भूमि किसके द्वारा किया जाता है? भूमि पंजीकरण लेखपाल करता है। कौन करता है? जो भूमि को लिखता पड़ता है पंजीकरण करता है, कौन करता है आपका? लेखपाल ही तो करता है भैया, या पिया पटवारी करता है। लेखपाल या पटवारी एक ही चीज़ है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा की बताइए कितनी कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं राज्यसभा से। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। लोकसभा से 80 सीटें हैं, राज्यसभा से 31 सीटें हैं। और बताइए विधानसभा से कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा से 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में भागों रोहिलखंड और ऊपरी दुआब में बोली जाती है? तो कौन? खड़ी बोली। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दुआब में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो जो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकायों को क्या? पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो क्या है बताइए? लखनऊ। लखनऊ जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। वैसे शहर तो और हैं इससे अधिक जनसंख्या वाले, जैसे फर्स्ट नंबर पर इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है, ठीक है? लेकिन इसमें लखनऊ से पहले और कोई था ही नहीं, सबसे अधिक लखनऊ है तो लखनऊ ही लगा दिया गया ऑप्शन। सही सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? तो बताइए कितने रुपए? 32 रुपए। 32 रुपए से अगर कोई अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब समझा नहीं जाएगा, कहा जाएगा भैया बड़ा आदमी है वो। अब 110, अगला क्वेश्चन क्या है? 110, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? मतलब जहाँ से पीतल जो ज़्यादा बाहर भेजा जाता है, तो बताइए कौन कौन है वो? मुरादा। मुरादाबाद में पीतल के लिए मशहूर है मेरा मतलब मुरादाबाद। तो मुरादाबाद किसके लिए है? पीतल उत्पादन के लिए, कलात्मक आभूषण के लिए, बोन ज्वेलरी के लिए। और जो वाराणसी है, बनारस, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर, बताइए कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उत्पादन, वह चमड़ा को होते हैं। सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध? मिनी चेयर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक औषधि एवं हर्बल औषधि के लिए है क्या लखनऊ फेमस है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो सिंपल सी बात सबको मालूम, बच्चा बच्चा जानता है, कितने जिले हैं? 75 जिले हैं।
और 18 मंडल हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परिवार की क्या इकाई लागत किससे कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 50,000 से कम परिवार की लागत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर में सामाजिक वन की योजना कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की गई है, राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण संगठन, जिला उद्योग केंद्र, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण बैंक या फिर राष्ट्रीय सूचना केंद्र। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना, कि सुल्तानपुर में सामाजिक वन की योजना कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की शुरुआत की गई। केंद्रीकृत डाटाबेस, क्या केंद्रीकृत डाटाबेस, केंद्रीकृत जो डाटाबेस है उसका जो है क्या किया गया, वो किया गया, ठीक है, केंद्रीकृत डाटाबेस का उपयोग किया गया है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल, कौन सी, सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली, कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, बताइए, उत्तर मध्य का मुख्यालय कहाँ, इलाहाबाद, उत्तर मध्य का इलाहाबाद है। और बात की जाए पूर्वोत्तर का तो कौन सा है, गोरखपुर है, पूर्वोत्तर में कौन आता है, गोरखपुर, पूर्व उत्तर में आता है गोरखपुर। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, अपना शहर बनारस, वाराणसी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, अपना अपना कानपुर, अर्थात आगरा और कानपुर, अपना अपना कानपुर, आगरा और कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा योजना यह है, का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन लगभग कितना है, कितना होगा, 75% और 25%, मतलब 75% केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, तो जो भू कृषि का रिकॉर्ड वो कौन सा है, गिरदावरी, कौन सा है, गिरदावरी जो है वो क्या है, रिकॉर्ड है किसका, भू कृषि का क्या जो रिकॉर्ड उसका क्या नाम है, उसे बोलते हैं गिरदावरी बोलते हैं, ठीक है। खतौनी क्या बोलते हैं, एक किसान के पास कुल कितनी ज़मीन है कहाँ होता है, खतौनी में लिखा होता है। और जो इंदिराज खतौनी है इसमें, ठीक है, कितने ये, हाँ, खतौनी जो है एक किसान के पास कुल कितनी ज़मीन है इसका इंदिराज खतौनी में होता है। जमाबंदी क्या है, जमाबंदी जो है वो किसान की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में होता है। एक बिसवा एक बीघा से क्या अनुपात होता है, तो एक बीघा में 20 बिसवा होते हैं, तो 1/20 अर्थात 1:20 का होगा, यानी 1 बिसवा होगा। अब देखिए, ठीक है, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो एक एकड़ में होते हैं 48-40 वर्ग गज, कितने होते हैं, एक बीघे में होते हैं 48-40 वर्ग गज, 48-40 वर्ग गज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर ई जी पी का पूर्ण रूप क्या है, तो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधि कार्यक्रम या फिर कार्यक्रम में प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही मनरेगा है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, 300 बिस्तर, यदि 10 लाख जनसंख्या है किसी जिले में तो उसमें 300 बिस्तर अस्पताल में कम से कम होने चाहिए। घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो क्या बट्टा, मतलब कि छूट दी जाती है, मतलब रहा बट्टा बट्टा बट्टा, घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो उत्तर प्रदेश की जो व्यावसायिक फसल बताइए वो क्या है, गन्ना, गन्ना जिसको बेच के तुरंत पैसा मिल जाए उसे हम कहते हैं कि व्यवसाय, मतलब व्यावसायिक फसल है, ठीक है। तो गन्ना क्या है, जो गन्ना होता है उसे हम बोलते हैं व्यावसायिक फसल, गन्ना क्या है बताइए, गन्ना जो है वो कैसे फसल है, व्यावसायिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों में चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है,
तो 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पंच कहते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब देखिए जो ये अब वर्तमान राष्ट्रपति, पहले अभी कौन थे, अभी तक जो थे वो रामनाथ कोविंद थे, अब बदल चुके हैं, अब द्रौपदी मुर्मू जी हो गई हैं। ये एक करंट की जानकारी आपको दे दिए हैं कि जो अभी 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 आज की बात है, आज है 21, ठीक है, 21 जुलाई है 2022। तो आज जो है अभी जो है हुआ ये कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति बनाई, राष्ट्रपति की जो दौड़ में थी वो जीत चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? मतलब उत्तर प्रदेश में कम से कम एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए ग्राम सभा की? तो कम से कम एक साल में 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है, 2 बार प्रत्येक ग्राम सभा में 2 आम बैठक होनी चाहिए, एक एक बैठक रबी फसल के कटने के बाद तथा दूसरी खरीफ मतलब फसल कटने के बाद। एक व्यक्ति के लिए पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष अगर वो है, अगर वो हो गया है तो उसकी तो वो जो है पंचायत सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति के लिए सॉरी, अगला क्वेश्चन, लेकिन वोट देने का अधिकार 18 साल से ही है। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यूनतम की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? मतलब किस पर किया जाता है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या फिर मासिक किया जाता है? बताइए कैसा किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है वो किया जाता है कैसा, अर्धवार्षिक। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यूनतम या न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक पर होती है। यह योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। इसे 1797 से 1798 में देश के समस्त बाल ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। इस योजना में केंद्र और राज्य के क्रमशः अनुपात कितना होता है? 75 से 25 अनुपात होता है। MGNRIGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है, 75 और 25 का अनुपात होता है। मतलब 75% देती है केंद्र सरकार, 25% कौन देती है, राज्य सरकार देती है, इसमें लगाती है। भूमि की पैमाइशनी नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो बताइए सिंपल विभाग, राजस्व विभाग करेगा। शिक्षा विभाग कैसे नापेगा, चिकित्सा कैसे नापेगा, अपनी दवाई करेगा, ठीक है, वो अपना ऑपरेशन करेगा चिकित्सा विभाग। भू प्रबंधन नहीं करेगा कौन, राजस्व विभाग करेगा। ठीक है, अगर जमीन मारना अपने काम कौन करता है, राजस्व विभाग करता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? उसे हम लोग लगान कहते हैं। ठीक है, भूमि के लिए जो टैक्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। जमाबंदी तैयार की जाती है कैसे, 2 प्रतियों में। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है, वह यह अभिलेखों के अधिकार संबंधित है। जो भूमि अभिलेख को स्पष्ट करता है, इसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसकी 2 प्रतियों में से एक सरकार के पास और दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है? तो भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क बताइए किस पर लगाया जाता है, तो किस पर, भूमि के आकार के आधार पर, कि भूमि की कीमत के आधार पर, कि भूमि की किस्म के आधार पर, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये है, ये भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क, जिसे स्टाम्प पेपर फीस कहते हैं, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1998 के अंतर के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। धरातल पर मापी गई 36 दूरियों, कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण कला। का ध्यातव्य है कि धरातल पर मापी गई 36 दूरियों तथा कोणों एवं उनकी ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कला कहते हैं। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो क्या होती है, जरीब द्वारा होती है। एक कृषि खेत के मापन हेतु जरीब का उपयोग किया जाता है। यह जरीब 55 गज का होता है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। एक जरीब के वर्ग को क्या कहते हैं, 1 जीब, यानी एक जरीब को अगर हम एक लंबाई में ले लें, चौड़ाई में ले लें, और दो मतलब ले लें, तो उससे जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, वर्ग होगा। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो बताइए कौन संबंधित है, इसमें जो है ये कार्यक्रम संबंधित है, सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। क्या कर,
ठीक है, कुटीर ज्योति योजना जो है इनमें से कौन सा कार्यक्रम है, तो क्या बताइए, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको क्या विद्युत उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य। ठीक है, पूसा बोल्ड किसमें किसकी है बताइए, पूसा बोल्ड किसकी, सरसों की, जो पूसा बोल्ड है वो सरसों की एक किस्म है। ठीक है, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक है, तो ग्रामीण विकास जो ये ऋण देता है ग्रामीण विकास के लिए, तो ये से हम क्या बोलेंगे, बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पेपर में कई बार पूछा गया है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कृषि एवं ग्रामीण संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। इस संस्था की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है, तो देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है, लुधियाना, पंतनगर, हिंसार, जबलपुर, तो है कौन सा बताइए, पंतनगर। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में इस विद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है, चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र रखता है। सबसे अधिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किस में, सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग की फसल में भी रखा जाता है। मतलब जो ये सोयाबीन है इसे तिलहनी फसल भी कहते हैं और इसे दलहनी फसल भी कहते हैं। ठीक है, सोयाबीन में 20 से 25% तेल हो, 40 से 50% प्रोटीन पाया जाता है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो बताइए कहाँ है, पुदुचेरी में है। भारत में केंद्रीय शासित प्रदेश पुदुचेरी में सन 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना 1973 में गठित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु की फसलें हैं, जो खरीफ ऋतु है इसकी बताइए फसलें कौन कौन सी हैं, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, ये सब क्या हैं, ये सब हैं खरीफ की फसलें। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है, आप सबको बताए भी थे कौन सी है, दोमट मिट्टी। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी है। बलुई मिट्टी में खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि की पैदावार सर्वाधिक होती है। कपास के लिए काली मिट्टी को अच्छा माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूँ तथा गन्ना तथा दलहन तिलहन के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो आपके ये 145 क्वेश्चन थे, ये इतने क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपका जो ग्राम विकास है एकदम क्लियर, ग्राम विकास आपका एकदम टोटल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ग्राम विकास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, ग्राम विकास आपका क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम हिस्ट्री का देंगे। हिस्ट्री में आपका एंशियंट भी होगा, उसी में एंशियंट, मिडवल और जो वो मॉडर्न होगा, तीनों हिस्ट्री एक में ही कर देंगे हम। ओके, थैंक यू।